अब हर कोई इंसान आईपी की ना बन पाए। पहले हमें ये अच्छा नहीं लग रहा सुन के, मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर को अच्छा नहीं लग रहा, अपना बिजनेस कम करते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जस्ट टू लेट यू नो, और इससे आपको विश्वास होगा कि बड़ा बिजनेस एक बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता मैं। मतलब आप मेरे ऊपर ये सवाल खड़ा कर सकते हो पारितोषिक अच्छा करोड़पति है या नहीं है, वो हाँ वो मैं नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तो मतलब थोक बजा के बोलता हूँ मैं। तो भाई साहब ऐसा है कि IBC 3.0 जो हमारा आज तक का IBC का प्रोडक्ट था, मतलब कोई भी IBC बन सकता था, जिसने पैसा दिया वो IBC बन गया, सिंपल। अब वो बंद हो रहे हैं, उसकी आखिरी तारीख है 30 सितंबर, विच इज 30th ऑफ दिस मंथ। 30 तारीख के बाद यानी 30 सितंबर रात को 12 बजे के बाद, विच इज 1st ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर से IBC बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हम क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक बता देता हूं। उसको हम कह रहे हैं IBC 4.0। ये क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि हमने आपका फीडबैक लिया, हमने आपका फीडबैक सुना और हमने इस प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया। अब IBC बनने से पहले आपका एक एग्जाम होगा, आपको 30 सवालों के जवाब देने होंगे। ये एग्जाम एक ऐप पे होगा, आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको हम वैलिडेट करेंगे। आपके पास कम से कम 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको इंग्लिश का, डिजिटल मार्केटिंग का और बिजनेस स्ट्रेटजी का एग्जाम देना होगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश भाषा का, बेसिक इंग्लिश भाषा, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स और बिजनेस स्ट्रेटजी का एग्जाम देना होगा। ये पेपर आज बन रहे हैं फिलहाल, एचओ में लीक नहीं करूंगा, राइट? और हर एक पोटेंशियल IBC को ये करना होगा, करना ही होगा। जब आप टेस्ट में कम से कम 70% मार्क्स लेकर आएंगे तभी आप IBC बन पाएंगे, वरना हम आपको धन्यवाद कर देंगे। इससे आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि बड़ा बिजनेस एक बहुत सीरियस कंपनी है। मतलब ऐसे नहीं किसी को भी भाई आज तू भी अंतर्गत बन जाओ, शराब भी बन जाओ, आप 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 भी बन जाओ, आपका पैसा ऐसा, आप भी आ जाओ, आप सारे आ जाओ, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इंश्योर करना है कि जो हम नेटवर्क क्रिएट करें वो MLM जैसा ना बन जाए, इसलिए सर मैं बोल रहा हूँ।